जी सर, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर महापौर ने अपना निवास स्थान को महिला भवन में तब्दील कर दिया था और मार्च में इसका उद्घाटन भी किया गया था। और अब जुलाई यानी कि आज के दिन है, आज इन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया, जहाँ पे कई सारे प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे उद्घाटन किए गए हैं। यहाँ पे मीरा भाईंदर की सभी महिलाएं यहाँ पे आके प्रशिक्षण ले सकती हैं और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन मीरा भाईंदर की महापौर और महिला व बाल कल्याण विभाग की सभापति मीरा देवी व कई यहाँ पे नगर सेवक व मनपा के अधिकारी आए हुए थे। आइए बात करते हैं, क्या कहना है महापौर का और यहाँ पे आए लोगों का। पहले तो आपको ये कहूँगी कि ये महापौर निवास था। महापौर निवास का हमने महासभा में ठहराव करके महिला भवन किया। यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक यहाँ पे केंद्र निकाला गया। इसमें चार केंद्र है, एक उसमें से एक बचतगढ़ केंद्र है और बाकी के सारे प्रशिक्षण केंद्र है। आज पहली बार यहाँ से संगणक का प्रशिक्षण और सिलाई मशीन का प्रशिक्षण हमारी सभापति मीरा देवी यादव जी, उपसभापति विविता नाइक जी, इनके पूरी टीम के साथ यहाँ पे होने जा रहा है। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है। उसी प्रकार नगर भवन में हमने वार्ली पेंटिंग, एडवांस ब्यूटी पार्लर, वृक्षारोपण का प्रशिक्षण दिया। बहुत ही उसमें भी महिलाओं ने सहभाग लिया था। और यहाँ पे लेट ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि बजट जब हुआ, बजट के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और यहाँ पर बजट होने के बाद तुरंत महिलाओं के प्रशिक्षण के फॉर्म भराए गए। फॉर्म भरने के बाद में उसमें थोड़ा लेट हुआ, मगर आज से वो काम सब चालू हो गया है। और यहाँ की मीरा भाईंदर शहर की जो भी महिला है यहाँ पे आके उसका फ़ायदा लेगी। और खरे मतलब हमारी दिल की इच्छा थी कि इस महापौर निवास का अच्छे से अच्छे प्रयोग होना चाहिए, जो मीरा भाईंदर क्षेत्र की सभी महिला इसमें लाभ देंगे। गाँव के मतलब महिला बाल कल्याण समिति के अंतर्गत जो बजट है उसमें बेसिक कंप्यूटर है, टेली डीपीटी, कापड़ी थैली का प्रशिक्षण, उसी प्रकार MSCIT का प्रशिक्षण है। इसमें जूडो कराटे है, योगा प्रशिक्षण है, फैशन डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण है, मेहंदी नेल आर्ट और वाहन चालक का प्रशिक्षण है। ये सारी प्रशिक्षण अगर हमारी महिलाओं लेती हैं, हमारे यहाँ के युवतियाँ लेती हैं, तो उनके आगे चलकर वो एक अच्छे से उद्योजिका बन सकती है, अपने पैरों पे वो खड़ा रह सकती है और सक्षम बन सकती है। आपने देखा कि गए 2 साल में कोरोना का पीरियड था, उसमें महिलाओं को बहुत दिक्कत आई थी घर चलाने के लिए। ऐसे समय में आने वाली परिस्थिति में ऐसी कोई दिक्कत उनको ना आए करके प्रशासन के माध्यम से और महिला लोक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पे बहुत अच्छा निर्णय लिया और महिला के विकास के लिए आज यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन महिला बाल कल्याण समिति के तरफ से आज महिला भवन में प्रशिक्षण का उद्घाटन हुआ, उसके लिए हम बहुत ही यहाँ के शहर के महिलाओं के बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। महापौर मैडम के हाथ से उद्घाटन हुआ है, इन्होंने अपना निवास दिए हैं, लोग अपना जगह नहीं छोड़ते हैं, मगर इन्होंने इतना बड़ा दिल करके अपना निवास दिए हैं ये शहर के महिलाओं के लिए। आज यहाँ पर उद्घाटन हम लोग किए हैं। आज के यहाँ पे उद्घाटन के में बेसिक कंप्यूटर, टेली, कापड़ी, कागजी, पिस्वीट, MSCIT, जुड़वा कराटे, योगा, आज का उद्घाटन यहाँ पे ये 5 का हुआ है, ये शुरू हुआ है। और बाकी फैशन डिजाइन, वेब डिजाइन, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ने और वाहन चालक, ये अभी प्रोसीजर में है, ये भी जल्द से जल्द होगा। ये सारे और इसके अलावा भी है योजना, उसको भी हम जल्द से जल्द, हमारा कार्यकाल कम बचा है, इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द हमने इसको शहर के अंदर सभी महिलाओं के, सभी बच्चों के, गरीब और गरजू महिलाओं के लिए ये हम चालू करेंगे, जो कि अपने पैर पर महिलाएं खड़ी हो सकें,
अभी लॉकडाउन में जो बहुत सारी परिस्थितियां महिलाओं को झेलना पड़ी, आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा महिला बाल कल्याण सभापति होने के नाते से मैं जितना हो सकेगा उतना लोगों को हमने प्रयास करूंगी सिखाने के लिए। ये शहर के गरजू महिला और बच्चों के लिए बहुत सारा जो योजना है, योजना के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का हमने प्रयास करूंगी। और आज का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही शुभ दिन है वो मैं मानती हूँ। हमारी महापौर मैडम के हाथ से उद्घाटन हुआ है, आगे आने वाले भविष्य समय में पूरे शहर के चाहे काशी मीरा हो, भाईंदर वेस्ट हो, मीरा रोड ईस्ट, बीच के जगह पे महिला भवन है। मैं आशा करूंगी कि सभी महिलाओं और सभी बच्चे यहाँ पे लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आशा करूंगी। और आने वाले समय में हमारी महापौर मैडम ने जो बता रही हैं कि यहाँ के केंद्र भवन इसको बनाया जाएगा, मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि यहाँ के जो ये केंद्र भवन बन जाएगा तो शहर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत आगे आने वाले समय में गरीब गरजू महिलाओं के लिए आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानूंगी। महिला भवन के अंदर हमारी महापौर मैडम ने विविध प्रकार के प्रशिक्षणों का उद्घाटन किया है। आज का एक बहुत शुभ अवसर है कि गुरु पूर्णिमा गुरु किसे हम मानते हैं, जिसे हम शिक्षा लेते हैं। तो आज हमारे महापौर मैडम ने एक आशीर्वाद हमें दिया है, ये बंगलोर रूप से आशीर्वाद दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको अच्छा प्रशिक्षण लेके उनको गुरु दक्षिणा दें। तो मैं सभी महिलाओं को आह्वान करती हूँ कि आइए आप प्रशिक्षण लीजिए। ये प्रशिक्षण महानगर पालिका की तरफ से पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप बाहर जाते हो यही प्रशिक्षण लेने में, जैसे कि नेल आर्ट है, मेहंदी है, ब्यूटिशियन का है, तो आपको कम से कम 10-15 हज़ार तक आपको खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ये अपनी महिला बाल कल्याण की तरफ से, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से ये पूर्णतः फ्री प्रशिक्षण होने जा रहा है। तो आप संपूर्ण मीरा भाईंदर की सभी जगह पर, मीरा भाईंदर पूरा मतलब ईस्ट वेस्ट और मीरा भाईंदर, सब महिलाएँ आइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस प्रशिक्षण, ये फ्री प्रशिक्षण लेने के बाद आपको गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त, जो कि हमारे मीरा भाईंदर का प्रशिक्षण रहेगा, जो गवर्नमेंट का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, इस प्रशस्ति पत्रक का आपके आगे जीवन में, आपका व्यवसाय करने में, कहीं भी नौकरी के लिए भी आप इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र का जो शुरुआत किया गया है, हमारे साथ में है कुछ टीचर्स हैं जो कंप्यूटर लोगों को सिखाएंगे। आइए बात करते हैं इन्हीं से कि क्या क्या यहाँ पे ये सिखाने वाली है उन महिलाओं को जो यहाँ पे आएंगी। और मैडम यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा? यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग है, टेलरिंग है, जो उन लोगों को फ़ायदा, बेसिक है, टैली है, जो भी मतलब यूज़फुल है वो, DTP है, जो भी जो एक नॉर्मल महिलाओं को आना चाहिए, आजकल जो बेसिक महिलाओं को आना चाहिए कि वो खुद से भी कोई काम कर सके, वो सारी बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में सिखाने वाले हैं। और भी दूसरे कोर्सेज है, सिलाई की कोर्सेज है और कराटे हैं, जो सेल्फ डिफेंस महिलाओं को सिखाना चाहिए, आजकल बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। हर चीज़ के लिए हर एक स्पेशल टीचर्स रखी जाएंगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा और सारी गर्ल्स महिलाओं के लिए स्पेशली खोला गया है ये, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं कि महिलाएं अब तक बहुत पीछे रह चुकी हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ने का हक नहीं है। पहले स्कूल कॉलेजेस में महिलाएँ नहीं जाती थी, तो बट अभी उस चीज़ को मिटाना है हमें, अपनी सेट माइंड चेंज करनी है, इसीलिए हम लोग ने ये अभी न्यू खोला हुआ है, ताकि हमारी जो गर्ल्स है, जो गर्ल एम्पावरमेंट बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वो बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारी गर्ल्स, हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने लिए कुछ कर पाएँ। अच्छा, एक बात और पूछा था कि इसका टाइमिंग क्या होगा, कब से कब, क्योंकि मीरा भाईंदर बड़ा शहर है, ईस्ट वेस्ट से लोग यहाँ पे आएंगे, एक टाइमिंग होगा ना जिससे कि वो आके यहाँ पे एडमिशन कराएं और अपने घर को आराम से जा सके? 12 से 5 है टाइम, मतलब वो फ्री हो सकती है 12 से, हाँ, दोपहर को फ्री टाइम रहता है, वहाँ पे वो आके सीख सकती है। हाँ, जो प्राइवेट में सिखाते हैं वही हम यहाँ पे फ्री में सिखाएंगे उन्हें। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? हाँ, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें। यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देना चाहते हैं कराटे का, जिससे सेल्फ डिफेंस के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा है, ये हम सिखाने जा रहे हैं। मैं सुधीर वंजारी, 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पंच।